लिगामेंट्स टूटी, हौसला नहीं, जीता गोल्ड मेडल। इंदौर की खोखो खिलाड़ी जानवी के संघर्ष की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मलेशिया में हुई खोखो की इंटरनेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली मध्य प्रदेश की इकलौती खिलाड़ी हैं जानवी यादव। यहां भारत ने मलेशिया और इंडोनेशिया को 2-0 से हराया। भारत लौटाई जानवी से बातचीत हुई, उन्होंने इस दौरान अपने संघर्ष के दिन याद कर अनुभव भी सुनाए कि कैसे लिगामेंट टूट गए थे और नेशनल कॉम्पिटिशन से बाहर तक होना पड़ा। उसके बाद खुद को तैयार किया और ये मुकाम हासिल किया। उनका कहना है कि खोखो खेलना इतना आसान नहीं है, जरूरी है कि गेम के दौरान बहुत फोकस रहे, साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी तो अहम है, यही इसकी पूंजी है। 2 साल पहले नेशनल कॉम्पिटिशन के लिए तैयार हो रही थी, चयन भी हो गया था, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान लिगामेंट टूट गए थे। इतना असहाय मैंने खुद को कभी नहीं पाया। 2 महीने तक आराम किया और प्रतियोगिता छोड़नी पड़ी थी, पर लिगामेंट टूटने के बावजूद भी दिलो दिमाग ने खुद को टूटने नहीं दिया। इंदौर में अजय बाग में रहने वाली जानवी ने मलेशिया की इंटरनेशनल चैंपियनशिप में हाल ही में 5-5 मैच खेले थे। जानवी बीएससी फर्स्ट ईयर में है, 8 से ही खो खो खेलना शुरू कर दिया था उन्होंने। फिटनेस का बताया राज। बताते चले कि जानवी ने कहा था कि इस गेम की खुशी ये है कि इसमें स्टैमिना का सबसे ज्यादा महत्व है। खिलाड़ी के लिए फिटनेस बहुत जरूरी है और अटेंटिव माइंड यानी चौकस दिमाग और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है ताकि एक्टिवनेस बनी रहे। मैं शुरू में इसमें आगे बढ़ने के लिए नियमित एक्सरसाइज व प्रैक्टिस करती हूँ। इस दौरान मैं 3 से 4 घंटे सिर्फ इसमें ही व्यस्त रहती हूँ और यही मेरी फिटनेस का राज है। इसके लिए डाइट का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है, मैं हैवी डाइट नहीं लेती। खोखो ही मेरा जीवन व मिशन। खास बात यह है कि मलेशिया में गोल्ड मेडल जीतने वाली जानवी मध्य प्रदेश से एकमात्र खिलाड़ी हैं। ये अब तक 5 नेशनल कॉम्पिटिशन में भाग लेकर जीत चुकी हैं। इन्होंने इस दौरान गोल्ड मेडल भी हासिल किए हैं। इसके पूर्व उनका खोखो इंडिया गेम्स में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन इस बीच कोरोना फैला जिससे वह वंचित रह गई। परिवार का प्रॉपर्टी का बिजनेस है। बुधवार रात को वह इंदौर आई तो उसका यादव समाज सहित अन्य ने जोरदार स्वागत किया। उनके निवास में भी उसके होर्डिंग पोस्टर लगाकर उसका अभिनंदन किया गया। जानवी का कहना है कि खोखो ही मेरा जीवन व मिशन है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहें द खबरदार न्यूज पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।